नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अंश, जो कि इन दिनों प्यार के चक्कर में बहुत ज्यादा उलझते जा रहे हैं और मतलब क्या क्या पंगे हो रहे हैं उनके लाइफ में, ये उन्हीं से जानते हैं। कैसे हैं आप और ये पंगा क्या है भाई? ये लव का पंगा है और ये लव का पंगा आई एम श्योर सबके साथ एक कभी ना कभी हुआ होगा और हो भी रहा है। ये ऐसा पंगा है जो कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसा ही है, तो ये लड़का है सुमित टोकस नाम का, जो बड़ा देसी लौंडा है दिल्ली का और हरियाणा से है वैसे, लेकिन दिल्ली में पला बड़ा है। तो वो फर्स्ट सोलो ट्रिप पे जा रहा है और वहां पे एक लड़की से टकरा जाता है। अब इस लड़के को लगता है कि ये सुपर कॉन्फिडेंट है अपनी दुनिया में। इसको लगता है इसको सब पता है और इसको लगता है ये बहुत कूल और बहुत स्मार्ट है। और बट जब ये व्हेन ही कम अक्रॉस यू नो विद समबडी एंड सामने वाले जब इसको देखते हैं तो सामने वालों को लगता है, जैसे इस लड़की को लगता है नेहा शर्मा को, कि ये चेप है लड़का, चेप है, थर्की है। तो अब ही इज ट्राइंग टू हेल्प हर, बट उसके इंटेंशन शायद गलत नहीं है, शायद गलत नहीं है। तो बट उसको तो लगता है कि गलत ही है, ये थर्की है, साला चेप लड़का है, जबरदस्ती चेप होने की कोशिश कर रहा है, टिपिकल दिल्ली का लड़का है ये। और फिर इसको भी लगता है कि यार मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ, ये फालतू में एटीट्यूड दिखा रही है और फालतू में दिल्ली की टिपिकल साउथ दिल्ली की लड़की है, फिजूल का इंग्लिश मारती है दो तीन बातों में और एटीट्यूड दिखा रही है। अब किस तरीके से देन ये लोग यू नो अनवांटेड सिचुएशन में आ जाते हैं और फिर किस तरीके से इनके बीच में आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या होता है, ये सब के बारे में सीरीज है। तो और वही है, रोम कॉम बनाई है हम लोगों ने मिलके, जो डायरेक्टर है इसके नितेश सिंह है और हंगामा प्ले पे ये आने वाली है। तो आई एम श्योर ऑडियंस को पसंद आएगी, क्योंकि हम लोग को तो बड़ा मजा था मनाली में शूट करते हुए, क्योंकि मनाली यानी विच वेज बहुत खूबसूरत है और जो इसकी लोकेशन है वो आई सूदिंग है बहुत। तो आपको देख के मजा आता है लोकेशन एंड देन कैरेक्टर्स। और रोम कॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, जो भी बेसिक प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ली थी सारी। फिर उसके बाद मैं एयरपोर्ट पहुंचा फिनिश करने के बाद और एयरपोर्ट पे आई मेट माय सिंगर आल्सो, उनका नाम वो जो हमारे सिंगर है अमी मिश्रा। तो हम लोग एयरपोर्ट पे दोनों मिले, दोनों ने कॉफी पी, मैं आ गया, मैंने एक दिल्ली आया बॉम्बे आया तो जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे थोड़ा लगा एनर्जी कम फील हो रहा था, मेरे को थोड़ा टायर्ड फील कर रहा था शुरू के तीन चार दिन ऐसा लगा। एंड देन कोल्ड हो गया, मुझे कोल्ड से फीवर हो गया, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो शुरू के तीन चार दिन आई डिन मुझे लगा कि हाँ थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, वर्कआउट में एनर्जी कम है। बट चार पांच दिन बाद फिर ये कोल्ड हो गया एंड ये दो दिन तक कोल्ड, फिर फीवर हो गया। बट लकीली चार पांच दिन बाद, पांच दिन बाद फिर मेरी स्मेल चली गई, पांच दिन बाद आई कुडंट स्मेल एनीथिंग। तो बट आफ्टर सिक्स सेवन डेज सारे सिम्टम्स चले गए थे मेरे, आफ्टर सिक्स सेवन डेज नो फीवर, धीरे धीरे स्मेल वापस आ गई थी। एंड फिर देन आई गॉट टू नो जो मेरे साथ सिंगर है उसको भी हो गया कोविड। सो सिर्फ हम दोनों को ही हुआ पूरी टीम में से और किसी को नहीं हुआ। तो मे बी एट द एयरपोर्ट समवेयर मे बी ही मेट सम यू नो कोविड पॉजिटिव पर्सन और मे बी आई एक्सपोज द वायरस, आई डोंट नो हु। एंड बट जाते जाते हम एक दूसरे को देख के चले गए एयरपोर्ट पे, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। बट पॉजिटिवली ही इज ऑल्सो नेगेटिव एंड पॉजिटिवली आई एम ऑल्सो नेगेटिव, पॉजिटिवली नेगेटिव, गुड कॉम्बिनेशन, दैट्स गुड यार। तो वही है हम, हाँ आई नो हो गया और थैंकफुली कुछ ज्यादा नहीं हुआ कुछ। बट वही मैं सबसे, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या अभी जितने भी लोग हैं, मैं यही बोलूंगा कि भाई प्रिकॉशंस लेना, बिकॉज हमारी जो है ये वायरस जो है ये डेंजरस हो सकता है और इसके लिए हमें हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रखना पड़ेगा। दिस कुड बी अ वार्निंग फॉर अस कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, जो बैड हैबिट्स हैं उनको दूर रखना चाहिए। आई एम श्योर। और इन फैक्ट बीच में व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, मैं अपना होमवर्क कर रही थी आपसे मिलने से पहले, तो मैंने पढ़ने में ये भी आया था कि कुछ लोगों ने आप पर हमला भी किया था व्हेन यू वर इन दिल्ली। तो हाँ यार, ये 2020 एक्चुअली थोड़ा सा वो सारे ऊपर दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ। हाँ, तो कुछ लोग थे जो मतलब आए, मैंने उनको दिया था काम करने के लिए अपना मकान, मेरा मकान मतलब कंस्ट्रक्शन चालू था दिल्ली के अंदर, तो दे यू नो चीट किया उन्होंने पैसों का, 4-5 लाख रुपए का।
तो व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसा किया है तो आई मैंने उनको बोला कि आप काम छोड़ दो. तो इंस्टेड ऑफ बट ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज इन बॉम्बे एंड आई वेंट टू पंजाब फॉर माई फिल्म शूट. तो शूट फिनिश करके मैं दिल्ली पहुंचा तो आई थॉट कि आई विल हेल्प माय मदर टू सेट अप द हाउस. देन दिस गाय गॉट टू नो दैट आई एम हियर इन दिल्ली एंड ही गैदर्ड फ्यू पीपल एंड ही अटैक्ड मी सुबह सुबह घर से नीचे बुला के ऐसा. बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर नीचे गिर रहा है तो आपको नहीं गिरना चाहिए क्योंकि सामने वाला इज नथिंग एंड उसको कुछ लूज करने के लिए नहीं है. बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज मुझे क्योंकि मेरा करियर है मेरा मेरी फैमिली है और मुझे आगे बढ़ना है काम करना है. तो आई यू नो सिस्टम के साथ चल के आई आस्क्ड यू नो दिल्ली पुलिस टू हेल्प मी एंड दे टुक एफआईआर एंड एवरीथिंग एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस सिचुएशन नाउ. थैंकफुली आई वाज सेव्ड. मुझे ज्यादा चोट लगी थी मेरे को बट थैंकफुली ज्यादा नहीं लगी. बट दिस कुड बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बिकॉज रिसेंटली टू डेज बैक आई वाज रीडिंग अ न्यूज समवेयर ऑन इंस्टाग्राम और समवेयर के आई थिंक दिल्ली में कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में एक लड़के की मौत हो गई ऐसे कोई सिचुएशन में आई थिंक. तो ये जो इस तरीके की जो फाइट होती है ना ये जो लोग अटैक करते हैं दिस कुड बी वेरी डेंजरस क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब किसको क्या चोट लग जाए और उस चोट से कितना नुकसान हो क्या हो. तो ये बहुत क्योंकि पता 10 लोग आके मार रहे हैं आपको किसका एंगर क्या है किसका टेम्परमेंट क्या है किसने कहाँ मार दिया एंड इट कुड बी वेरी डेंजरस. तो आई थिंक हम लोग को सबको थोड़ा ह्यूमन होना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में आई पर्सनली फील जो हमारी ह्यूमन साइड है ना वो बाहर आनी चाहिए. इफ यू सी समवेयर कि कोई किसी को मार रहा है वी शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प बिकॉज व्हेन पीपल वर हिटिंग मी नोबडी केम फॉरवर्ड टू सेव मी नोबडी. सो आई वाज लकी इनफ के पुलिस टाइम पे आ गई मेरी मम्मी बहन नीचे आ गई तो कुछ मेरे घर पे वर्कर्स काम कर रहे थे वो आके उन्होंने मेरी हेल्प कर दी. बट आउटसाइड देयर नोबडी केम टू यू नो हेल्प मी एंड दिस इज वेरी सैड. And same thing, so we should, as a human, we should be responsible to other humans. And जब भी ऐसी कोई situation देखे, instead of judging or understanding, सबसे पहले ये, क्योंकि ये गलत है. हाँ. ये चीजें गलत है. अगर एक आदमी ने गलत भी किया है तो उसको तुम्हारा कोई हक नहीं है मारने का. उस पुलिस को बुलाओ, पुलिस लेके जाएगी, पुलिस विल डू दी रेस्ट. लेट्स से कि मैंने कुछ गलत किया है, लोग मुझे मार रहे हैं, लोगों का कोई हक नहीं है मुझे मारने का. लोगों का है मुझे पकड़ लो, पुलिस को दो, पुलिस विल डू दी रेस्ट. So, इतनी ह्यूमन होने चाहिए हम और इतनी ह्यूमन होने चाहिए कि वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर ह्यूमंस अराउंड. इतना इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए. अग्री. ये चीज इन दिनों इनफैक्ट बात निकली है तो इन दिनों आप इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा देख सकते हैं ट्रोलिंग करते हैं क्योंकि आप मेरे जैसा नहीं सोचते इसलिए मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा. बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. ये दिस इज वेरी 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 सैड सिचुएशन हैपनिंग दीस डेज. आई थिंक उसका एक रीजन ये भी है कि लॉकडाउन में जो लोगों के पास कुछ काम लिए ना करने को. So this could be one of the reason. तो क्योंकि हम लोग को इंसानों को हमेशा entertainment चाहिए जहां से मिल जाए और this is entertainment for people. और इसीलिए हम लोग luckily जो हंगामा प्ले पे लव का पंगा आ रही है जो लोगों को थोड़ा distract करेगी क्योंकि entertainment मिलेगा उनको. तो instead of you know हम लोग क्योंकि entertainment जो है वो बहुत बड़ा part है सबको sane रखने के लिए. तो अभी कुछ लॉकडाउन के दौरान ज्यादा एंटरटेनमेंट लोगों को मिला नहीं टीवी के जरिए तो उनका दिमाग इधर उधर चला गया. बट डोंट वरी पीपल डोंट वरी वी आर बैक आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट कम टू हंगामा प्ले और वॉच दिस सीरीज एंड अदर सीरीज. सर्टेनली. अच्छा कभी आप गए हो सोलो ट्रिप पर? मैं सोलो ट्रिप पे मैं रिसेंटली गया था एक्चुअली आई वेंट टू यूरोप और वहां पे शूट था मेरा तो वो शूट फिनिश करने के बाद मैं आगे 4-5 दिन के लिए निकल गया था. तो बहुत ही हाँ ट्रस्ट में वो ऐसा हुआ ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था इस बार भी कि हाँ कोई लड़की मिल जाएगी ऐसा नहीं हुआ. यूरोप में भी नहीं हुआ. लड़कियां बात करती थी और उसके बाद चली जाती थी. अच्छा चलो कम से कम इतना ग्रो तो किया कि बात कर रही है अभी लड़कियां. सो लेकिन बहुत अच्छा होता है सोलो ट्रिप. आई रियली लव्ड इट. मतलब यू नो आप एक दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं जब आप सोलो ट्रिप पे निकलते हैं. शुरू में एक एंग्जाइटी होती है बिकॉज मैं भी एंग्शियस था फर्स्ट टाइम एवर. मुझे लगा इतने देश के इतने दूर हूं मैं
और मेरा आसपास कोई भी मेरा जानने वाला नहीं है, मेरी भाषा वाला नहीं है. सो शुरू में थोड़ा डर सा लगा मुझे, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड लविंग इट. और यूरोप है भी बहुत खूबसूरत, तो अगर जगह खूबसूरत हो, यूरोप जैसी जगह हो या फिर पहाड़ वहाड़ हो, मनाली कश्मीर ऐसी कोई जगह हो, तो यू लव इट. मतलब आपको एंजॉय कर, आपको फिर किसी की जरूरत भी नहीं है, यू जस्ट वांट टू बी इन दैट एनवायरनमेंट और यू जस्ट वांट टू एंजॉय. अच्छी बात है, दोस्त है तो नहीं है तो सोलो ट्रिप तो डेफिनेटली हर किसी को एक बार मारनी चाहिए फॉर योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. दैट्स वेरी ट्रू. अच्छा, जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई थी तब आप आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिससे आपने यू टुक दैट पॉइंटर्स कि मुझे एक्टिंग में ये ऐड करना है, या फिर ये कंप्लीटली योर क्रिएटेड वर्जन ऑफ द हीरो था? यार जो ये कैरेक्टर था ना ये वाला, तो जो सुमित टोकस था, मैंने पढ़ी थी जब मैंने स्क्रिप्ट, तो जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसे कैरेक्टर हैं, कई लोगों को. जैसे कि उस दौरान हम लोग यहाँ बॉम्बे में क्रिकेट खेलते थे, तो सुबह सुबह जाके क्रिकेट खेलते थे, तो वहां पे कुछ लड़के थे जो एक्चुअली वही हरियाणा के लड़के थे जो बॉम्बे में थे एक्टर बनने के लिए, तो वो वैसे ही लड़के थे. तो उस दौरान मेरे को उनको देख, सुबह सुबह जाके मैं उनको ऑब्जर्व करता था, मैं कि किस तरीके से उनके थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से दे आर अकॉर्डिंग टू देम वो सही बातें बोल रहे हैं. मतलब वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत शांत तरीके से बोल रहे हैं, बट उनको ज्यादा वर्ड्स होते नहीं है. तो अब जैसे कि किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो फिर अगर जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि अरे आप ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आप अगर ये बोलेंगे तो बोलेंगे ठीक है ना, तू कहीं लगी चोट वोट तो नहीं लगी, दिखा हाथ, दिखा तेरा, तो सीधा का हाथ पकड़ लेंगे जाके. पर उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, तो वो ऐसे वाले हैं. तो मैंने देयर वर पीपल अराउंड, तो मैं उनको ऑब्जर्व करने लग गया था. मैं हालांकि मैं भी दिल्ली से हूँ, बट दिल्ली का जो एक्सेंट है वो अलग है, और जो मैंने इस सीरीज में लिया है वो अलग है. वो मतलब इट्स नॉट ठेठ जाट, क्योंकि ठेठ अगर जाट बोलेंगे तो फिर ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, वो बहुत ही ज्यादा फिर वो रीजनल हो जाता है. सो इट शुड बी इन बिटवीन समवेयर. दिस गाय इज फ्रॉम हरियाणा, बट ही ट्राइंग टू स्पीक नॉर्मल हिंदी. वो ट्राई करता है, वो कोशिश करता है वो के हिंदी बोलने के लिए, जैसे कि और कहीं ना कहीं फिर उसका देसीपना आ जाता है कि मैं कह रहा था आप कहाँ जा रही हैं. तो ये मतलब वो ट्राई कर रहा है आप बोलने के लिए कहाँ जा रही हैं, मैं कह रहा था, तो वो थोड़ा सा ना वो आ ही जाता है. बट दे आर ट्राइंग टू स्पीक हिंदी, तो वो ना तो टूटी फूटी हिंदी के बीच बीच की एक अलग सी लैंग्वेज बन जाती है, लेकिन उसमें एक्सेंट आता है वो हरियाणवी. तो ऐसा कुछ मैंने ऑब्जर्व किया था उन लड़कों को, और वही फिर मैंने लैंग्वेज के जरिए वो ट्राई किया वो पोर्ट्रे करने के लिए. और इमोशन तो फिर क्या होता है ना, कि इमोशन तो चाहे जाट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सबके सेम ही होते हैं. रोना है तो रोना है, हंसना है तो हंसना है. अच्छा, ये जो दिल तो हैप्पी है जी वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे. यू वर्क विद जैस्मिन राइट आपका? एग्जैक्टली नाउ गॉट क्लियर. अभी वो बिग बॉस में है राइट? अच्छा कर रही है वो बहुत, एंड दिस इज हाउ शी इज. वो ऐसी है वो, मतलब शी डजंट केयर, वो मतलब शी इज वेरी यू नो दिस इज हाउ शी इज, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि वो अच्छा करें. एंड शी वॉज माई को एक्टर, और अच्छा मतलब हमारे बिफोर बिग बॉस आल्सो वी वर टॉकिंग एंड आई वाज शी वाज टेलिंग मी कि यार बिग बॉस में जा रही हूँ ऐसा वैसा. तो आई न्यू कि यार तू बस रियल रही हो, जैसे तू है वैसी रही हो, जैसे तू है वैसे ही बड़ी एंटरटेनिंग है, तो लोगों को मजा आएगा तेरे को वैसे देखने में. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है कि बिग बॉस में आप फेक करेंगे तो पता लग जाएगा लोगों को. सो जितना ज्यादा रियल रह सकते हैं उतना ही अच्छा है. एंड कई कई चीजें हैं उसकी कि जिस तरीके से वो शी इज कमिंग फॉरवर्ड एंड फाइटिंग फॉर अ टास्क, so this is very good. और वो सबको ऐसा ही होना चाहिए, fight for yourself, fight for your task, fight चाहे आप किसी भी situation में हो, you need to fight for yourself, you know. Big Boss में भी ऐसा ही कुछ होता है कि अपने लिए जीतने के लिए आप fight कर रहे हो, which is completely fine, क्योंकि at the end of the day आपको जीतना है. Correct. So I really hope कि वो जीते और बाहर आए, और ताकि मुझे भी अच्छा feel हो कि हाँ मेरी को actor है वो Big Boss की winner है. अमेश ये has come out like a very simple, sweet, very strong, but वो बहुत innocently रो देती है, कपड़े अच्छे नहीं धुल रहे, she is crying and किसी और को लग गई तो उनको देख के वो रो देती है, तो is she really that touchy, or maybe sensitive is the correct word possibly?
I'll tell you what. She is very human, and she has that human side of her, जो कई लोगों में थोड़ी बुझ जाती है, but she has that, क्योंकि during our shoot set पे एक लड़की थोड़ा गिर गई थी, बेहोश हो गई थी. तो me and Jasmine we were shooting for a scene, मतलब वहाँ पे, और हमें पता लगा ऐसे ऐसे, तो we दोनों के दोनों भाग के चले गए, and we both were very vulnerable at that time. Towards that girl, and she was like, "Aap meri gaadi le jao, theek to hai na." So I think she is not that. She is that kind of a girl, jo vulnerable ho sakti hai, ho jaye vulnerable. Maine pura se abhi show, maine actually show dekha nahi hai. Maine thode thode parts mein dekhta hu main, kyunki abhi lately bahut hi love ka panga ka bhi kafi abhi chal raha tha. Phir mera shooting ka abhi dubbing upping ka chalu hai. Aur filhal to mera abhi 14 days ka quarantine hai. So I was not able to see this. But ha, kuch clips dekhe hain maine. तो वो उससे देख के मुझे लगा कि हाँ, दिस इज हाउ जैस्मिन इज. अच्छा, ऐसी है जैस्मिन के एकदम से. अब आने वाले दिनों में और क्या क्या करने वाले हैं आप? आने वाले दिनों में अभी तो लव का पंगा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ लोगों के रिस्पांस का, किस तरीके से वो अपना प्यार मुझे देंगे ये सीरीज देखने के बाद. उसके बाद अभी मेरा डबिंग फिनिश करनी है मेरी फिल्म की, जो बेलापंती, जो मैंने फिनिश की थी अभी, तो वो उसकी डबिंग फिनिश करनी है. एंड देन दिस फिल्म इज गोना कम मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर ओनली. और उसका पैचुआ का एक दो दिन का शूट वो अभी करना है इस मंथ में. एंड देन दिवाली के लिए आई एम गोना गो टू दिल्ली. सो आई एम गोना दिवाली के, क्योंकि दिवाली नेक्स्ट मंथ इज दिवाली. एंड एक दो प्रोजेक्ट की बात चल रही है, तो लेट्स सी, अगर वो अगर फाइनल होते हैं तो फिर नवंबर दिसंबर में उनका शूट स्टार्ट होगा. तो मोस्ट प्रोबेबली फिल्म का एक वेब है, सो लेट्स सी कि कैसे क्या होता है. बट फिलहाल तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लव का पंगा एंड माय नेक्स्ट फिल्म बेलापंती. दिस इज हाउ. वो किस तरीके की बेलापंती, किस तरीके की फिल्म है वो? बेलापंती एक्चुअली वो भी थोड़ा सा वो एक कॉमेडी है फिल्म. वो भी तो उसमें बेसिकली वही दोस्त होते हैं, दो दोस्त होते हैं, उनको जिंदगी में कुछ करना है, पैसे कमाने हैं. और फिर उसके बाद उनका एक और दोस्त होता है, तो तीन चार दोस्त मिलके फिर किस तरीके से सिचुएशन में फंसते हैं तीन दोस्त, कैसा उनका चौथा दोस्त आता है उसको. तो बेसिकली ये सबको बेवकूफ बना रहे हैं ये पैसे के चक्कर में, और इवेंचुअली उलझते जाते हैं उस चक्कर में, सही करने के चक्कर में गलत होता जाता है, और किस तरीके से देन दे. बट इवेंचुअली इट्स अ कॉमेडी फिल्म. कॉमेडी फिल्म में तो फिर कॉमेडी फिल्म का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट स्टोरी, और स्टोरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको देख रहे हो तो आपको मजा आना चाहिए. सो शूटिंग वूटिंग की हम लोगों ने काफी मजा आया, और अच्छा काम भी अच्छा हुआ है जिस तरीके से मैंने भी देखा है, मैंने फर्स्ट हाफ देखा है और डबिंग के दौरान. तो इट्स लुकिंग गुड एंड आई एम वेरी होपफुल कि पब्लिक को पसंद आएगी वो, क्योंकि वो कॉमेडी फिल्म है, और कॉमेडी फिल्म में मजा आ जाए तो बस दैट्स इट. यू आर अ विनर. चलिए, इतनी पूरी बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया, और चाहेंगे कि आपको हर बार हर नए रूप में हर महीने देखते रहें. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू रूना. थैंक यू सो मच.